जय राधा माधवा कुंज विहारी राधा माधवा कुंज विहारी गोपीजन बल्लवा गिरीवर धारी गोपीजन बल्लवा गिरीवर धारी जय राधा माधवा कुंज विहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना यमुना तीरा बनचारी राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जन बल्लवा गिरीवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी सुमसला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी सुमसला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का पूरी दुनिया में प्रचार करने वाले पतित पावन शिल प्रभुपाद की, पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की, पतित पावन शिल प्रभुपाद इस्कॉन वृंदावन धाम की, ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। अज्ञानातिमरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्री विशाखा वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुयस्य कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण है निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आज 24 तारीख को रविवार प्रभुपाद लीलामृत प्रवचन में आप सबका स्वागत और धन्यवाद। देखो माताओं, चुप करके बैठो, बातें नहीं करो। तो आज का जो अध्याय है उसका शीर्षक है एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष। हरे कृष्णा कृष्णा श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता ना हुए हैं ना होंगे। अन्य प्रकार के लाभ केवल धोखा है, सचमुच अत्यंत हानिकारक है। जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत लाभ है। यह लाभ किसी देश विशेष के लिए नहीं है जो दूसरे के लिए उत्पाद पैदा करे, वरन यह समस्त विश्व के लिए है। तो ये हमारे दादा गुरु कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। बड़े प्रेम से बोलो शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की। तो ये भी थोड़ी विचारने की बात है, महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता ना हुए हैं ना होंगे। प्रभुपाद जी के बारे में भी यही कहा है, ना भूतो ना भविष्यति। भूत में कोई प्रभुपाद जी जैसा हो ना हुआ ना कोई भविष्य में होगा। तो महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, महाप्रभु के जो भक्त हैं, वो सबका कल्याण करने वाले हैं, वो कल्याणकारी हैं। तो हमारा कल्याण तो एक शब्द कहे हैं मेरे पीछे, अब बोलो, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण की शरण में आए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं हो सकता, ये याद रखो। सुखी जो है, सुख जो है केवल श्री कृष्ण के चरणों में। एक और शब्द चैतन्य चरितामृत में आते हैं, कृष्णा सूर्य सम, बोलो, माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूर्य के समान हैं और माया अंधकार के समान है। और जहां शक्तिशाली सूर्य भगवान कृष्ण हैं वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, अविद्या रूपी अज्ञान रूपी अंधकार नहीं रह सकता। तो महाप्रभु के जितने भक्त हैं सबके कल्याणकर्ता हुए हैं, कल्याणकर्ता ना हुए हैं ना होंगे, इतने कल्याणकर्ता। अन्य प्रकार के लाभ केवल धोखा है।
एक पुरानी बात है, जब प्रभुपाद यहाँ पर थे हमें उनकी सेवा प्राप्त हुई थी, हम उनके निजी नौकर थे, सेवक थे। जहाँ एक व्यक्ति गुप्ता नाम का व्यक्ति वो आके रहने लगा यहाँ पत्नी के साथ, तो जब प्रभुपाद बैठे हों, दर्शन दे रहे हों, बातें के प्रभुपाद महाराज है ऐसे हैं आप ऐसे, भक्त लोग भी समझे भाई ये बड़ा प्रभुपाद के निकट है। वो गुप्ता जी क्या करते थे यहाँ पर, उन्होंने गेस्ट हाउस में दो कमरे घेर रखे हैं। दो कमरे में क्या कर रहे थे वो, एक कमरे में अपना माल भरा हुआ है उन्होंने, किस लिए, बेचने के लिए, व्यापार कर रहे थे यहाँ पर वो। तो प्रभुपाद जी के पास जब सूचना मिली, प्रभुपाद ने एकदम कहा निकालो उसको यहाँ से। तो मेरी बात प्रभुपाद जी से, मैंने कहा प्रभुपाद ये व्यक्ति मुझे थोड़ा विचित्र सा दिखा, कहते हाँ देखो वो जो चील होती है या गिद्ध बहुत ऊपर चली जाती है आसमान में, एक दो किलोमीटर ऊपर उठती है वो, लेकिन नज़र उसकी ज़मीन पर रहती है, कहाँ मृतक शरीर कहाँ है। प्रभुपाद के वृंदावन धाम में आया है, बुढ़ा हो गया है, फिर यहाँ व्यापार का ही इसको पड़ा हुआ है, निकाल दिया फिर उसको यहाँ से। तो और जो जितने अन्य कार्य हैं ना, जैसे हमारे दादा गुरु कह रहे हैं अन्य प्रकार के लाभ केवल धोखा है, बाकी लाभ धोखा है। मान लो आपने बड़ा धन कमा लिया, करोड़ों पति बन गए आप, अरबों पति बन गए, आखिरी समय जब जाने का आया कितने अर्ब साथ जाएगा आपका। जब जन्म हुआ था तो हाथ बंद होते, बच्चे के हाथ बंद होते हैं, जाएंगे तो हाथ खुले होंगे। इसलिए कहा है ना कुछ साथ लाए थे ना कुछ ले चलेंगे, बोलो ना कुछ साथ लाए थे ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। याद रखो हम ना कुछ साथ लाए थे और ना कुछ यहां से ले चलेंगे। जो यहां मिल गया, किसी की शादी बड़े घर में हो गई, बड़ी संपत्ति मिल गई, लेकिन जाएगा साथ में क्या। समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, अनही समझता है ये पुत्र ये मित्र ये परिवार हमारा होगा, बोलो। समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र ये मित्र ये परिवार हमारा होगा, नहीं ध्यान बातें पीछे बातें नहीं करो भाई, ध्यान दे दो, नेकी ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, ये तन भी ना साथ देता है, दूसरे छोड़ो शरीर भी साथ नहीं देगा, ये धोखा दे देगा, ये शरीर शमशान की अमानत है। लेकिन याद रखो जब तक ऐसे संत ना हो समझाने वाले तो कुछ समझ नहीं आता। शुद्धि, प्रभुपाद कहते थे अंग्रेजी में प्योरिटी इज द फोर्स,
शुद्धि में ही ताकत है। तो शुद्धि कैसे आएगी? विषय विकारों से मन को हटाकर हरि चरणों में लगाएंगे, कृष्ण के चरणों में लगाएंगे, ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर के चरणों में लगाएंगे, कृष्ण बलराम के चरणों में लगाएंगे, तब ही धीरे धीरे शुद्धि होगी। तो दादा गुरु कहते हैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कि जो महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता ना हुए हैं ना होंगे। जो प्रभुपाद ने कार्य किया कौन करेगा? ये कोई नहीं कर सकता। अन्य प्रकार के लाभ केवल धोखा है। और देखो, हम सब अन्य प्रकार के लाभों में ही पड़े हुए हैं। ये प्रभुपाद ने लिखा है कि जगह बहुत से लोग संस्था ज्वाइन करते हैं गोरी लड़की से शादी करने के लिए या विदेश जाने के लिए। ये क्या है? क्या है ये भौतिक लाभ है सारे? एक हमारा गुरु भाई मायापुर में, मैं जाता था मायापुर, कह रहे महाराज मैंने अमेरिका जाना। मैंने क्या करेगा जाकर, बेकार है उधर। नहीं नहीं जाना जाना। पहुंच गया वहाँ पर, पहुंच गया और एक गोरी से शादी कर ली। कहता है महाराज मैं मिला उसको, फिर कहते मुझे बड़ी टेंशन हो गई, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं क्या, अभी तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देख क्या होगा। तो इस लाभ के लिए ये संस्था नहीं है, ये भौतिक लाभ के लिए संस्था नहीं है। ये संस्था जो है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए ये संस्था है। वही दादा गुरुदेव कह रहे हैं कि अन्य प्रकार के लाभ केवल धोखा है, सचमुच अत्यंत हानिकारक है। सही में अन्य लाभ हानिकारक हैं। क्या हानि है भाई? अगर किसी ने 100 करोड़ बनाया है वो छोड़ के जा रहा था, हानि क्या है? हानि ये है उसका मन उसमें फंस जाएगा, ओ मैंने तो 100 करोड़ बनाया था, छोड़ के जा रहा हूँ। मन मलिन है ना, पहले उसने बनाने में लग गया तो वो भी मन की मलिनता है। एक कथा हम बहुत पहले सुनाते थे, अभी फिर आपको सुना देते हैं। महाराष्ट्र में 2 भक्त हुए हैं, पति पत्नी, उनका नाम था रांका और बांका। बोलो रांका और बांका महाराज की। कैसे भक्त थे, इतनी गरीबी थी कि आप मानेंगे नहीं। पेट कैसे पालते थे? लकड़ियाँ चुननी, जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लाना, बेचनी, जो पैसा 2 पैसा मिले उससे भगवान का भोग राग और प्रसाद पाना। एक दिन नारद जी भ्रमण करते हैं सब जगह, बड़े प्रेम से बोलो नारद जी महाराज की। देव ऋषि जी महाराज ने उनको देख लिया, देव ऋषि महाराज को दुख हुआ। देव ऋषि जो हैं वह भगवान के पास गौलोक धाम में गए, कहा प्रभु ये क्या लीला आपकी? कहते क्या कि जो तुम बेकार लोग हैं उनको आप सब कुछ देते हैं और जो आपके शुद्ध भक्त हैं उनको कुछ देते ही नहीं। नारद ऐसा नहीं है, जिन्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है वो और कुछ चाहते ही नहीं। नहीं प्रभु, नारद जी को थोड़ी सी शंका रहे। घर कट के कृष्ण वासी भगवान कृष्ण कहते हैं नारद चलो, आप कहते देते नहीं, हम देते हैं। भगवान कृष्ण और नारद जी महाराज चले गए, यहाँ दूसरी तरफ से दूर रांका और बांका आ रहे थे। रांका पति, बांका पत्नी, बहुत बड़े भक्त हुए हैं ये महाराष्ट्र में आ रहे हैं। तो बांका माता ने घूंघट निकाला है, स्त्री पर पुरुष को अपना मुंह नहीं दिखाती थी और वो दूर चल रही है। आजकल कितना नहीं बाँह में बाँह डालकर बेशर्मी का प्रदर्शन करके चलती हैं। ये सब नरक का द्वार है, इसको रोकना चाहिए। जो बड़ी माताएं हैं परिवार में कोई ऐसा करे रोको उसको, नहीं तो आपको भी दंड मिलेगा। कहा कि जुल्म करना पाप है, जुल्म को सहना महापाप है। कोई बहू बेटी ऐसी करती है थप्पड़ लगाओ दो। हमारे बहन थी, कभी उससे कोई गलती हुई तो माता जोर से थप्पड़ लगाती थी। वो कभी हाँ सोचती भी नहीं थी कि हमने गलती करनी है। तो
वो बांका माता घूंघट निकाल के चल रही है, रंका जी आगे के लोक लाज चल रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, एक सोने की मोहरें गोल्ड क्वाइंस उसका ढेर लगा दिया रास्ते में। नाथ जी का तू कहते देते नहीं हो, देखो दे रहा हूं मैं। हाँ, और दोनों नारद जी और भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा वृक्ष था पीछे छिप के वहां खड़े हो गए। रंका जी आए, उन्हें मोरों का ढेर देखा, उन्होंने क्या सोचा, अगर आपको दिखता तो आप क्या करते, क्या सोचते हैं? क्या करें? लेकिन रंका जी ने क्या सोचा, सोचने लगे ये मोहरें घर ले जाएंगे, कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। कृष्ण चिंतन नहीं होगा तो, पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, अगर पत्नी ने ये कहा पतिदेव भगवान ने ये सोने की मोरे हमारे लिए भेजी हैं, ले चलो अच्छा सा घर ले लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। उन्होंने क्या किया, रंका जी महाराज ने बड़े प्रेम से बोलो रंका जी महाराज की, बोलो बांका माता की। रंका जी ने क्या किया, उन सोनों की मोहरों पर मिट्टी डालना शुरू कर दी ताकि उनकी पत्नी देखे नहीं, उनको दिखे नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, सामने कोई चीज आती है तो मन तुरंत वहां चला जाता है। तो रंका जी सोचने लगे नहीं देखेगी, मिट्टी डाल दूंगा मैं, तो वो ले जाने के लिए नहीं कहेगी। धन्य है ऐसी माता रंका, बांका माता, बोलो बांका माता की, सबको शिक्षा ले रही है सब माताओं को बांका माता से। लेकिन बांका माता ने देख लिया उनको, अपने पति को सोने की मोहरों पर मिट्टी डालते हुए। आवाज सबको पीछे ठीक आ रही है, ठीक सुनाई दे रहा, जो समझ आ रहा जो मैं कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, ये बातें बड़ी अनमोल हैं। तो देख लिया, अभी रंका जी सोचने लगी ये कहे कि ले चलो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ये भगवत चिंतन जाता रहेगा, जिसको भगवान के नाम का धन मिला है उसे इस धन से कोई मतलब नहीं। तो ले भगवान के नाम का धन, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इनके संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुपथ पे चलाते चलो, कैसे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, दुख में तड़पो नहीं सुख में भूलो नहीं, नहीं
दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, प्राण जाए पर भूलो नहीं। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, आज के लोग ऐसे हो गए हैं, उनको बोलो भाई नाम जपो, टाइम कहाँ है हमारे पास। कई लोग कहते हैं मरने के लिए टाइम नहीं हमारे पास। तो जिनके पास टाइम नहीं है ना, उनके लिए एक फार्मूला इसी भजन में है। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, पास पाओगे उसको कभी ना कभी, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल सारे बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भगवान का नाम जपना है। यही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, जितने भक्त थे, सभी ने नाम का प्रचार किया है, सभी ने नाम की शिक्षा दी। और प्रभुपाद जी ने कैसे ये आंदोलन शुरू किया था, नाम संकीर्तन से। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में एक पार्क में जाते थे और वहाँ पर
एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करते थे। इतना प्रभुपाद जी की वाणी में बल था, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, कि जो भी वहाँ सुनने वाले बैठे थे हिप्पी, वो उनके आसपास आके बैठ जाते और सुनते क्या कह रहे हैं। तो आप सब भी प्रयास करो, जहाँ भी आप हो नाम संकीर्तन जरूर करो। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत लाभ है। जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत लाभ है, सदा रहने वाला। यह लाभ किसी देश विशेष के लिए नहीं है, जो दूसरे के लिए उत्पाद पैदा करे। ये लाभ जो है ना किसी के लिए उत्पाद नहीं पैदा करेगा, वरना यह समस्त विश्व के लिए है। ये जो है नाम संकीर्तन, नाम का प्रचार पूरे संसार के लिए है। अभय के मित्र नरेंद्र नाथ मलिक आग्रह कर रहे थे, वे चाहते थे कि अभय मायापुर से आए एक साधु से मिले। वो साधु थे हमारे दादा गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। तो नरेंद्र मलिक जो प्रभुपाद जी के मित्र थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे, इन्होंने ही प्रभुपाद जी को कहा, अभय एक बड़े अच्छे संत हैं यहाँ पर। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद कहे, मैं जानता हूँ कलियों के संतों को, यार कहते नहीं अभय ये विशेष है। आकर नरेंद्र मलिक जी इनको जबरदस्ती ले गए। जब बैठे प्रभुपाद जी, बड़े ध्यान से जब सुना अपने गुरु महाराज को, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को, तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद प्रवचन के बाद कहते हैं, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। प्रभुपाद बड़े प्रभावित हुए भक्ति सिद्धांत महाराज को सुनकर, और भक्ति सिद्धांत महाराज ने पहचान लिया इस बार, कहते तूने मुझे बड़े ध्यान से सुना मेरा प्रवचन, तुम एक पढ़े लिखे नव युवक हो, तुम अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावना का प्रचार क्यों नहीं करते, अंग्रेजी भाषा में क्यों, क्योंकि हम सब अंग्रेज बन रहे हैं, अपनी भाषा हमको पसंद नहीं है, अपना वेशभूषा हमको पसंद नहीं है, हैं? आज की नव युवती जो है बच्चे को जन्म देगी, पहले पेंट पहनी होगी उसने, बेकार के कपड़े उसके, और बच्चा उसको क्या कहती है, वो बच्चा बोलना शुरू करता भी, कहती बेटा मेरे को मम और इनको डैड, जिंदा ही मार दिया बेचारा, डैड डैड तू मरा नहीं अभी तक, डैड मर जा, मम्मी का मतलब भी मरा हुआ होता है, ये हमारी हालत हो गई है। लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, तो वहाँ पर गए हुए भारत के कुछ योगी आगे, एक योगी आया उनके पास, पूछता कि आप किस लिए यहाँ आए हो। प्रभुपाद कहते हैं, मैं सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूँ। क्या मतलब सनातन धर्म का? प्रभुपाद ने बताया, चार नियम, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, दूसरा नियम सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफी नहीं, तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत, अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, चौथा नियम सच बोलना, जुआ नहीं खेलना, सुबह 4 बजे से पहले उठना, और इस महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, इस महामंत्र का जप करना। जब ये कहा तो वो योगी भारत से क्या होगा, भारत का योगी था वो, कहता है स्वामी जी ये अमेरिकन लोग नहीं आपको सुनेंगे, अंग्रेजी भी कह रहा है, मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। कहते क्यों? कहते हैं अगर आपने इन लोगों में प्रचार करना है तो आपको छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, पेंट और शर्ट पहननी पड़ेगी, नेक टाई पहननी पड़ेगी, गला घोटना पड़ेगा,
यही तो है, इन टाई क्या है, जीसस की स्मृति में पहनी जाती है। जीसस जी को गला घोंट दिया था उनका दुष्टों ने, तो उनकी स्मृति में। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में, मैं बताता हूँ क्या कहा था, फिर हिंदी अनुवाद बताता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं, आई डिडंट कम हियर टू फॉलो देम, आई केम हियर टू मेक देम फॉलो मी। मैं यहाँ इनका अनुयायी बनने नहीं आया, मैं इनको अपना अनुयायी बनाने आया हूँ, बना के दिखा दिया। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। ये हमारे प्रभुपाद जी की महानता। इसलिए सब प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ लो, ये आपका बेड़ा पार कर देंगे, ये आपको भगवान से मिला देंगे। बस इनको नहीं छोड़ो, प्रभुपाद को छोड़ो, प्रभुपाद को नहीं छोड़ो, बाकी दुनिया संसार से आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद जो हैं ये हमको भगवान के पास ले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने गोरे लोगों को भक्त बना दिया। एक बार प्रभुपाद लंदन में थे, तो लंदन एयरपोर्ट गिरे प्रभुपाद, एक प्रेस वाला आ गया। प्रेस वाला जो है कृष्ण द्वाय पाइन, कृष्ण ने इधर आइए, आपका नाम ओनली द्वाय प्यान दास बैठिए बैठिए। तो प्रिय बंधुओं, एयरपोर्ट पर प्रभुपाद के एयरपोर्ट पर थे, तो प्रेस वाला आ गया गोरा, गोरों का देश है, प्रेस वाला आ गया। तो प्रभुपाद जी को कहता है, व्हाट फॉर यू हैव कम टू दिस कंट्री। ये गोरे सोचते हैं इंग्लैंड उनके बाप का है, किसी का कुछ नहीं है संसार में, सब कुछ कृष्ण का है। कृष्ण कहते हैं, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता मालिक मैं हूँ। इंग्लिश सोचते हैं हमारे बाप का है इंग्लैंड, है तेरे बाप का कुछ नहीं है। कहते क्यों यहाँ आए। प्रभुपाद बड़े महान, बड़े थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहते हैं, तुम अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से सब कुछ चुरा लिया, और सच्चाई है ये, और तुम एक बात भूल गए, वो मैं देने आया हूं तुमको। अंग्रेज सोच में पड़ गया, क्या भूल गया हम। कहते क्या भूले हम, कहते तुम सभ्यता नहीं लाए भारत की, वो मैं तुम्हें देने आया हूं। जब ये कहा तो अंग्रेज के कान खड़े हो गए। तो प्रभुपाद बड़े महान थे भाई। देखो हमें भी ऐसे महान संत का संग मिला, उन्होंने साथ में रखा हमें अपने, यहाँ वृंदावन में भी रहे और भी भ्रमण किया उनके साथ, मायापुर में भी उनके साथ रहे, बम्बई में भी, दूसरी तीसरी जगहों में। तो प्रभुपाद जैसे संत ना भूतो ना भविष्य थी, प्रभुपाद बड़े महान हैं। आगे अब है मायापुर से आए एक साधु से मिले नरेन, और उनके कुछ मित्र उस साधु से उसके पास के आश्रम में मिल चुके थे, जो उल्टा डंग जंक्शन रोड पर स्थित था, और अब वे अभय का मत जानना चाहते थे। अपनी मित्र मंडली में अभय नेता माने जाते थे। प्रभुपाद जी शुरू से नेता थे, अपनी मित्र मंडल में प्रभुपाद जी नेता थे। अपनी मित्र मंडल में प्रभुपाद जी नेता माने जाते थे, इसलिए यदि नरेन औरों को बता सके कि
कि साधु के प्रति अभय भी सम्मान की भावना रखते हैं तो उससे उनके अपने मूल्यांकनों का समर्थन होगा। अभय को जाने में हिचक थी, लेकिन नरेन उन पर दबाव डाल रहे थे। अब ये प्रभुपाद जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मलिक जो थे वो कहते नहीं, चलो 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 चलो। वे शाम होते ही भीड़ से भरी सड़क पर आने जाने वालों के बीच खड़े बातें कर रहे थे, जबकि भाड़े की घोड़ा गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ और बीच बीच में ऑटो टैक्सियाँ और मोटर बसें शोर करती हुई आगे बढ़ रही थी। नरेन ने अपने मित्र अभय की बाँह कसकर पकड़ ली, वे उन्हें आगे की ओर घसीटने लगे, जबकि अभय हंस रहे थे और उल्टी दिशा में हठपूर्वक जोर लगा रहे थे। नरेन का तर्क था कि चूंकि वह स्थान कुछ ही मकान आगे है, इसलिए उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए वहाँ हो आना चाहिए। अबे हंसे और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लोग समझ रहे थे कि दोनों व्यक्ति मित्र थे, लेकिन बड़ा अजीब दृश्य था। खादी का सफ़ेद कुर्ता और धोती पहने हुए सुंदर युवक को उसका मित्र खींचे लिए जा रहा था। नरेन ने बताया कि साधु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णव थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। उनके एक शिष्य जो सन्यासी थे मलिकों के घर आ चुके थे और उन्होंने उन्हें शिला भक्ति सिद्धांत से मिलने को आमंत्रित किया था। मलिकों में से कुछ वहाँ थे गए थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, किंतु अभी शंकालु बने रहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इन सब साधुओं को जानता हूँ। प्रभुपाद जी विश्वास, कलयुग में तो पखंड बड़ा है ना, प्रभुपाद के इन साधुओं को मैं जानता हूँ, मुझे नहीं जाना है। अभय ने अपने बचपन में बहुत सारे साधु देखे थे, उनके पिता घर पर कम से कम 3-4 को प्रतिदिन आमंत्रित करते थे। उनमें से कुछ तो केवल भीख मंगे थे और कुछ गांजा भी पीते थे। गौर मोहन बहुत उदार थे और जो भी सन्यासी का घेरुआ वस्त्र पहने होता उसे घर में आने देते थे। तो क्या इसका तात्पर्य यह था कि चाहे कोई भीख मांगता हो या गांजा पीता हो, फिर भी उसे साधु माना जाए, केवल इसलिए कि वह सन्यासी की वेशभूषा में है या मठ निर्माण के नाम से धन इकट्ठा कर रहा है या अपने भाषण से लोगों को प्रभावित कर लेता है। देखो, प्रभुपाद जी ने जो यहाँ बताया ये बात भी सच है कि कलयुग में पखंडी बहुत है, लेकिन अच्छे भी हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज थे, बहुत अच्छे थे, तो वो ये भी संकेत कर रहे हैं इन जनरल पखंडी हैं सारे, लेकिन अच्छे भी हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जो हैं, हमारे गुरु महाराज,
अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से मिलने चले गए। नरेंद्र ने बताया कि साधु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णव थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। उनके एक शिष्य जो सन्यासी थे मलिकों के घर आ चुके थे और उन्होंने उन्हें शिला भक्ति सिद्धांत से मिलने को आमंत्रित किया था। मलिकों में से कुछ वहाँ गए थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, किंतु अभय शंकालु बने रहे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इन सब साधुओं को जानता हूँ, मुझे नहीं जाना। अभय ने अपने बचपन में बहुत से साधु देखे थे। उनके पिता घर पर कम से कम 3-4 को प्रतिदिन आमंत्रित करते थे। उनमें से कुछ तो केवल बेखांग भिखमंगे थे और कुछ गांजा भी पीते थे। गौर मोहन बहुत उदार थे और जो भी सन्यासी का घेरुआ वस्त्र पहने होता उसे घर में आने देते थे। तो क्या इसका तात्पर्य यह था कि चाहे कोई भिखमंगा हो या गांजा पीता हो फिर भी उसे साधु माना जाए, केवल इसलिए कि यह सन्यासी की वेशभूषा में है या मठ निर्माण के नाम से धन इकट्ठा कर रहा है या अपने भाषण से लोगों को प्रभावित कर रहा कर लेता है? तो देखो कि कलयुग में पखंड बड़ा हो गया है, बहुत पखंड बढ़ गया है। भागवत में भी यही वर्णन आता है, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। ये राजन, ये परीक्षित महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं, कलयुग में दोष ही दोष हैं लेकिन एक महान गुण इसमें है। क्या? कीतना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। कि इस कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा राम राम हरे हरे बोलो। आवाज निकालो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। प्रभुपाद जी ने इसी कीर्तन से ये आंदोलन शुरू किया था। नहीं, ये साधु अधिकार बहुत साधु अधिकतर बहुत खराब लोग होते हैं। अभय ने अपने पड़ोस में भी एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो पेशे से भिख मंगा था। सवेरे जब अन्य लोग काम के कपड़े पहनकर अपने काम पर जाते तो यह व्यक्ति घेरुआ वस्त्र धारण करके भीख मांगने निकलता और इस तरह अपना पेट पालता। लेकिन क्या यह उचित था कि ऐसे तथाकथित साधुओं का
सम्मानपूर्वक दर्शन किया जाए, मानो वह गुरु हो। नरेन का तर्क था कि वे साधु विशेष बहुत विद्वान पुरुष थे और अभय को चाहिए कि कम से कम उनसे मिल ले। तो नरेंद्र मलिक जो थे वो भक्ति सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि ये जो साधु थे भक्ति सिद्धांत महाराज बड़े उच्च कोटि के संत थे, तो एक बार उनको मिल लें, ये था उनका आग्रह। और स्वयं निर्णय करें और खुद ही निर्णय करें कि कैसे हैं। अबे चाहे तो चाहे चाहते तो ये कि उनके मित्र नरेन इतना आग्रह ना करें, लेकिन अंत में वे उनकी बात का इनकार ना कर सके। इतना आग्रह उन्होंने किया नरेन मलिक ने कि प्रभुपाद जी ना नहीं कर सके। एक साथ वह पारसनाथ जैन मंदिर से होते हुए उल्टलंग पहुंचे, जहां भक्ति विनोद आसन अंकित था और जो गौड़िया मठ के आवासों की सूचना दे रहा था। द्वार पर उन्होंने पूछा तो एक नवयुवक जो श्रीमान मलिक को पहचानता था, वे पहले मठ को दान दे चुके थे, उन्हें तुरंत दूसरी मंजिल पर ले गया और उसने उन्हें शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने प्रस्तुत किया। वे उस समय कुछ शिष्यों और अतिथियों के साथ बैठे हुए सायंकालीन वातावरण का आनंद ले रहे थे। अपनी पीठ को पूरी तरह सीधा करके बैठे हुए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लंबे लगते थे, शरीर से वे दुबले थे, उनकी बाहें लंबी थीं और उनका रंग गोरा और सुनहरा था। उन्होंने सादे प्रेम का भाई फोकल गोल चश्मा पहना था, उनकी नाक नुकीली थी, मस्तक प्रशस्त था, चेहरे से विद्वान प्रकट होते थे, चेहरे से विद्वता प्रकट होती थी, लेकिन उस पर भीरुता बिल्कुल नहीं थी। उनके मस्तक पर लगे वैष्णव तिलक की खड़ी रेखाओं से अभय परिचित थे, ठीक वैसे ही जैसे ये उनके सादे सन्यासी उत्तरीय से परिचित थे, जो उनके दाहिने कंधे पर पड़ा हुआ लटक रहा था, जिससे बायां कंधा और आधा बक्षास्थल खुले थे। उन्होंने गले में तुलसी की माला पहनी हुई थी और मृतिका से बनी वैष्णव तिलक यानी कि गोपी चंदन के चिन्ह उनके गले में कंधे पर और बाहों के ऊपरी भाग में दृष्टिगोचर हो रहे थे। निर्मल सफेद जनेऊ गले में लिपटा हुआ छाती पर विराज रहा था। अभय और नरेन दोनों ने वैष्णव परिवारों में पहले होने के कारण श्रद्धास्पद सन्यासी को देखते ही उन्हें तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। तो नरेंद्र मलिक और प्रभुपाद जी
ने पहचान लिया उनको, देखा भाई ये वैष्णव है, तिलक लगा रखा है, सब कुछ है। तो ये प्रभुपाद जी की पहली भेंट थी अपने सदगुरुदेव से। और पहली भेंट में भी आगे फिर बढ़ना है, तमें समय समाप्त हो चुका है, अगली क्लास भी अभी यहाँ पर होगी। तो आप सबका धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न अगर हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, किसी माता किसी भक्त को। कोई प्रश्न नहीं किसी को, सब मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की। बोलो कृष्ण बलराम की। निताय गौर सुंदर भगवान की। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार। इसकी इसका लिया कवर कहाँ है इसका।